What's up, guys? Welcome to Real Mech. And today we are going to discuss about thermodynamics. Okay, so this is your first lecture in thermodynamics. I was trying to teach you power plant, but before power plant, or I will say before heat transfer and many subjects, we have to learn this subject. Okay, हमें subject का knowledge होना चाहिए, and this is thermodynamics. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को बहुत बार पढ़ चुके हैं और उन्हें बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स आती भी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस सब्जेक्ट को जितनी बार पढ़ें उतनी ही बार कम है. जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती हैं. मेरे को खुद को, मैंने पी के नाग 5 बार पढ़ी है जो उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती रही. ओके, सो आई विल से कि आप थर्मोडायनेमिक्स को आप एक बार फिर से रिवाइज करें, देखें कुछ चीज़ें जो आप ऐड कर सकें वो ऐड करने के लिए मुझे बताएं, और कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं वो भी मुझे बताएं, और लेट मी इन्हेंस माय नॉलेज एंड लेट इन्हेंस योर नॉलेज टू. ओके, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए. थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जैसे इसका नेम इंडिकेट करता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, थर्म प्लस डायनेमिक्स. ओके, थर्म एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है. थर्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एनर्जी, ऊष्मा. ओके, और डायनेमिक्स आप सब जानते हैं, डायनेमिक्स मीन्स गतिकी. तो ऊष्मा गतिकी यानी कि एनर्जी के जो ट्रांसफर है उसको जो पढ़ते हैं, जिसमें साइंस की वो ब्रांच है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर को हम पढ़ते हैं, कैसे एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या करते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक साइंस है. हमने, मैंने यहाँ पे लिखा मैक्रोस्कोपिक साइंस है, जिसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक चेंज इन प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं उन्हीं को स्टडी करते हैं, ठीक है. हम यहाँ पे ये बात नहीं करते कि कितनी एनर्जी जो है वो किस रेट से ट्रांसफर हो रही है, ये बात यहाँ पे नहीं करते हम थर्मोडायनेमिक्स में. ये बात करते हैं हम हीट ट्रांसफर के अंदर, ठीक है, जो कि इसके बाद नेक्स्ट लेवल का सब्जेक्ट है. लेकिन थर्मोडायनेमिक एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करते हैं, और वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, ठीक है. मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर हो चुका होता है, इक्विलिब्रियम जब दोनों साम्यावस्था जब जो दो सब्सटेंस के बीच में आ जाती है, उस टाइम पे हम देखते हैं भी अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या क्या स्टेट्स थी, ठीक है. सो दिस इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इट्स इफेक्ट ऑन एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है. यानी कि एनर्जी ट्रांसफर क्या हो रहा है और उस एनर्जी ट्रांसफर से क्या इफेक्ट आ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. मैक्रोस्कोपिक साइंस है तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखें. और मेनली जो हम बात करेंगे एनर्जी की, वो हीट एंड वर्क में ही डील करेंगे. हीट क्या होती है, वर्क क्या होता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर और इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो दिस इज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स. देखिए फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में वैसे ही मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन हम यहाँ पे वही चीज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद में आते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू. मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एक लेक्चर मैंने तैयार कर चुका हूँ पहले भी, फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 1 में. रियल मैक अपने इसी चैनल के ऊपर फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 1 में मैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को पूरे ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम के साथ. चलिए आगे शुरुआत करते हैं. व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है. थर्मोडायनेमिक सिस्टम स्पेस का वो पार्ट होता है जो हम स्टडी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करते हैं. ओके, दैट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अलावा जो भी होता है उसे बोलते हैं हम सराउंडिंग. ओके, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग, उन दोनों को अलग करने वाले को जो सब चीज होती है उसको बोलते हैं हम बाउंड्री. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में क्या होती है, एक बाउंड्री. अब बाउंड्री की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है, ठीक है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है. बाउंड्री की जो आइडियल थिकनेस है वो जीरो होती है, यानी आइडियली थिकनेस जीरो होती है. हो सकता है बाउंड्री कुछ थिकनेस हो, फॉर एग्जांपल आपने एक बर्तन लिया बहुत बड़ा, उसमें
पानी डाल के उस बर्तन को चारों तरफ से बंद करके उसको गर्म करें, तो वहां पे जो बर्तन है वो बर्तन आपका एक बाउंड्री की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो आइडियली उस बाउंड्री की जो थिकनेस है वो 0 मानते हैं। बाउंड्री डजेंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस और मास इन एनी मास एंड वॉल्यूम इन स्पेस। ओके, तो ये बाउंड्रीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज में भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि बाउंड्री की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो इनमें से तीन चार प्रॉपर्टी देंगे, लास्ट में आपको पूछेगा नन ऑफ दी अबो या ऑल ऑफ दी अबो, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन बाउंड्री के ऊपर बनते हैं। तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। उसके बाद में एज वी ऑल नो सिस्टम एंड सराउंडिंग दो ही चीजें पढ़ी हैं, सिस्टम जिस पे हम स्टडी करेंगे और उसको छोड़कर जो भी है सराउंडिंग, इसका मतलब दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं यूनिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को एक साथ यूनिवर्स बोला जाता है। ये कंसेप्ट काम में आएगा आपने यहाँ पे जब हम बात करेंगे एंट्रोपी वगैरह में, सिस्टम की एंट्रोपी, सराउंडिंग की एंट्रोपी एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो अभी आप बस इतना याद रखिए सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, और ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों हो सकते हैं। इन दोनों में मैंने एग्जांपल लिया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर मैंने इन दोनों में एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जैसे इनको खाना पकाते हैं तो एक डेड वेट रहता है ऊपर। ठीक है, डेड वेट, जब वो डेड वेट ऊपर उठता है तो उसके अंदर से वेपर बाहर निकलती है। ओके, जब वो डेड वेट ऊपर उठता है तो उसके अंदर से वेपर्स बाहर निकलती है, तो उस टाइम पे तो वहां पे मास ट्रांसफर भी हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर तो हो ही रहा है क्योंकि आप उसको गर्म कर रहे हो। लेकिन जब वो डेड वेट ऊपर नहीं उठता है, जब वो डेड वेट जो है वो नोजल के ऊपर रहता है प्रेशर कुकर के, तो उस टाइम पे मास ट्रांसफर नहीं होता है, कोई वेपर बाहर नहीं निकलती है और ओनली एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो हम उस एक एग्जाम्पल से दोनों को समझ सकते हैं, ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ओके, सो क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, ओपन सिस्टम में दोनों हो सकते हैं। एक और एग्जांपल है ओपन सिस्टम का, एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसिंग के अंदर एयर आती है और एयर कंप्रेस होकर बाहर चली जाती है, मास ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो रहा है। वहां पे हम एयर को कंप्रेस करने के लिए कुछ भी, जैसे बाहर से जनरेटर वगैरह से जो अंदर जो फैन है, ब्लोअर है, जो भी हम चलाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है वो कंप्रेस हो जाती है, तो एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है और मास ट्रांसफर भी हो रहा है, तो वहां पे ओपन सिस्टम। उसके बाद में तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स खुद ही अपने आप में एक सिस्टम है, ठीक है, जिससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो इससे बाहर कुछ ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो जैसे आइस बॉक्स लेते हैं, आइस बॉक्स के अंदर आइस बहुत टाइम तक पड़ी रहती है, यानी ये आइडियल तो नहीं है लेकिन आइस बॉक्स के अंदर आइस बहुत टाइम तक पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां मास ट्रांसफर तो ही नहीं पाता और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो आइस है वो ठंडी की ठंडी पड़ी रहती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, मैं इनको जल्दी से कर देना चाहता हूं। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम फिर से एक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आप देखिए इसमें कंट्रोल वॉल्यूम को कंट्रोल वॉल्यूम ही क्यों बोला जाता है, इसको कंट्रोल मास क्यों नहीं बोला जाता? कंट्रोल मास भी बोल सकते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब द वॉल्यूम विच इज इन कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मैनर में जो वॉल्यूम है दैट इज कंट्रोल वॉल्यूम। जैसे आपने लिया था ना स्पेस लिया था, सॉरी सिस्टम लिया था स्पेस के अंदर कोई भी जगह, उसी तरह से हम स्पेस के अंदर कुछ वॉल्यूम ले लेते हैं, और अब उस वॉल्यूम के अंदर जो भी मास जा रहा है, जो भी बाहर आ रहा है, जो भी एनर्जी जा रही है, जो भी एनर्जी बाहर आ रही है, बस उस वॉल्यूम को ही अपना फोकस रखकर उस वॉल्यूम की स्टडी करते हैं, उसी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, किसी और चीज के साथ डील नहीं करते हैं। कंट्रोल मास भी इसे बोलेंगे, लेकिन कंट्रोल मास में क्या हुआ, मास कांस्टेंट हो गया, और मास कांस्टेंट किसके अंदर होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर। सो क्लोज कंट्रोल मास का मतलब हो गया क्लोज सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम में मास कांस्टेंट नहीं होता है, सिमिलर एज इन ओपन सिस्टम। तो कंट्रोल वॉल्यूम एक तरह से क्या होता है, आपका ओपन सिस्टम ही होता है। मैंने इसकी डेफिनेशन दी, इट इज ए वेल डिफाइंड वॉल्यूम इन स्पेस फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। ठीक है, इट मे बी स्टेशनरी, इट मे बी मूवेबल। ठीक है, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री की तरह, और इसका जो सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। इसका एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, जैसे एयर कंप्रेसर है, तो एयर कंप्रेसर को मैंने इतने इतने को मोटर को छोड़कर बाकी सारे को कंट्रोल वॉल्यूम बना दिया, तो अब मेरा बस
ये एरिया रहेगा, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, ये एरिया रहेगा स्टडी करने का। इसमें से कितनी एयर अंदर आ रही है, कितनी एयर बाहर जा रही है, क्या एनर्जी अंदर आ रही है, क्या एनर्जी बाहर जा रही है, दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज अबाउट कंट्रोल वॉल्यूम। अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज एक तरह से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स, जो जैसे मान लो कोई आदमी अच्छा है बुरा है, ठीक है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। और करेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा आके बड़ों के पैर छूता है तो एक तरह का पैरामीटर हो गया, और ये क्या बता रहा है, उसकी अच्छाई को बता रहा है, ठीक है। कोई आदमी सच बोलता है तो ये सच बोलना एक पैरामीटर हो गया, और सच बोलना एक अच्छाई हो गई, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक यानी अच्छा या बुरा, उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी करेक्टरिस्टिक, जैसे मान लो कोई चीज़ गर्म है ठंडी है, कैसे बताएंगे, टेम्परेचर से बताएंगे। तो टेम्परेचर क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया उस कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाने का। कोई चीज में दाब कम है ज्यादा है कैसे बताएंगे, प्रेशर से बताएंगे, ठीक है। वॉल्यूम कम है ज्यादा है, बड़ा है छोटा है, कैसे बताएंगे, वॉल्यूम से बताएंगे। तो इस तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ओके, सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट रहती हैं मास के ऊपर, इनको इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कैसे करते हैं, जो डिपेंड रहती हैं मास के ऊपर। अब याद रखने के लिए आपको मैंने यहाँ पे शो किया है, इंटेंसिव में भी वो आगे आगे इन आ रहा है और इंडिपेंडेंट में भी आगे आगे इन आ रहा है। तो इन इन दोनों में सेम है, तो आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑफ मास। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे वॉल्यूम, एनर्जी, मोमेंटम, और यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं प्रेशर का, टेम्परेचर का, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से और भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक आपके पास बॉक्स है, एम मास, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर, रो डेंसिटी। अब इसको मैंने दो एक इक्विवेलेंट एक जैसे भाग में डिवाइड कर दिया, तो क्या मास दोनों में एम एम रहेगा, नहीं, एम बाई टू एम बाई टू हो जाएगा। वॉल्यूम भी दोनों का आधा आधा हो गया, लेकिन क्या टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा, नहीं होगा। टेम्परेचर जितना इसका था उतना टेम्परेचर इसका रहेगा, यानी प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी, इन तीनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इस पार्टीशन का। ओके, सो इट मींस ये डिपेंड नहीं करते हैं आपके मास के ऊपर, समझ गए बात, वॉल्यूम मास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, देखा है हमने आइंस्टीन, तो वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इनफैक्ट मास अपने आप में खुद एक एनर्जी होती है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि कुछ एक चीजें जो मास पर डिपेंड कर रही हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और कुछ एक प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, कुछ एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, अगर उनको स्पेसिफिक बना दिया जाए, फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय मास कर दिया जाए, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड बाय मास कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, एक्सेप्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, लाइक आप ले लीजिए स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जितनी भी स्पेसिफिक लगा देते जिनके आगे, जो एनर्जी, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करती। मास से डिवाइड कर देंगे तो मास वाला टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा उसको। ओके, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन जो जिन्हें एक पॉइंट के द्वारा शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पीवी डायग्राम है, तो पीवी डायग्राम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट की अपनी अपनी विशेषता है। किसी में P1 है, V2 है, किसी में P2 है, V1 है, ठीक है, यानी हर एक पॉइंट की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, यानी कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग करेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी। सो पॉइंट फंक्शंस होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब आपकी, ठीक है, हर पॉइंट पे, ये पॉइंट पे ये डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फ्रेंड मैं आपको जब पाथ फंक्शन समझाऊंगा उस टाइम समझाऊंगा व्हाट इज एक्चुअली एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है और इनएक्जैक्ट क्या होता है, क्योंकि आपको इनएक्जैक्ट समझ में आ जाएगा तो एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। सिमिलरली पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता, पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड ऐसे नहीं करता, जैसे मान लो कोई फंक्शन अगर पाथ फंक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर तो हम
किसी एक पाथ से होकर जा रहे हैं तो उस स्पेसिफिक पाथ के लिए ही सेम रहेगा वो, ठीक है। मान लो, जैसे मान लो ये एक पाथ है, ठीक है, एक प्रोसेस हो रहा है यहां पे, और ये इस प्रोसेस का 1 to 2 से जाने का एक पाथ है। अब यहां पे जो कुछ भी हो रहा है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इफेक्ट जो कि यहां जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इस पाथ का एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है, ठीक है। तो जो भी इस पाथ में जहां भी जो भी हो रहा है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री। लेकिन पॉइंट जैसे 2 है तो पॉइंट 2 पे पॉइंट 1 से आ रहे हैं, तो पॉइंट 2 और पॉइंट 1 का कोई अब लेना देना नहीं है। जैसे मान लो पॉइंट 2 पे हम, तो यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं, पॉइंट 2 तो वैसे ही मिल जाएगा। तो पॉइंट 2 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंग है, डिपेंड नहीं करता पॉइंट 1, 3, 4 पे। लेकिन पाथ फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं, एक पूरा जैसे पाथ फंक्शन होता है पूरा डिफाइन किया जाता है एक इक्वेशन के थ्रू, और वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे। तो ओके, यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है प्रोसेस एंड साइकिल। प्रोसेस क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाते हैं तो जिन जिन स्टेट से होकर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 to 2 जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे स्टेट से होकर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और इन स्टेट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, प्रोसेस। ओके, 1 to 2 जा रहे हैं तो एक प्रोसेस, दैट मे बी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रोसेस होता क्या है, यानी जिस क्रम के थ्रू हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हैं, जिस इक्वेशन के थ्रू या जिस रूल के थ्रू एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। और साइकिल क्या होता है, जब बहुत सारे प्रोसेस जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 आपस में मिला दें, यानी कि जब इनिशियल पोजिशन से चलो आप और वापस इनिशियल पोजिशन पे ही पहुंच जाओ, दैट विल बी कॉल्ड एज साइकिल। जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर मेकिंग ए साइकिल। तो प्रोसेस और साइकिल समझ में आए। उसके बाद में बात करते हैं हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस सिस्टम्स क्या होते हैं। देखिए फिर मैं आपको डायरेक्ट जो कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए और जो जो नॉमिनेशन हैं, जो जो डेफिनेशन हैं, उनको डायरेक्ट क्लियर करके चल रहा हूँ। प्रोसेस की बात की तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट किताब की तरह नहीं जैसे प्रोसेस पढ़ा दिया, प्रोसेस के बाद में अब आपको कौन कौन सी प्रोसेस हैं वो सारी पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। पहले जितने नॉमिनेशंस हैं, जितने नाम हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं, जितने आपके बीच में टर्म्स काम में आ रहे हैं, पहले उनको क्लियर कर लो। आपको पता होना चाहिए प्रोसेस की कहीं बात हो रही तो प्रोसेस क्या होता है। अब मैं चलते ही बोल दूँ आपको हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम फिर आप किताब निकाल के या गूगल करके देखोगे हेट्रोजीनियस क्या होता है। नो, आपको पता ही होगा वहीं पर, अगर आप हेट्रोजीनियस कहीं फंक्शन कहीं नाम पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि हेट्रोजीनियस होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस सिस्टम क्या होती है, देखिए इनको जानने से पहले मैं पता होना चाहिए कि फेज क्या होता है। फेज होता है अवस्था, ठीक है। जैसे मान लो फेज 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ रेनकाइन साइकिल का। रेनकाइन साइकिल में इस तरफ है वो है लिक्विड, इसके बीच में है लिक्विड एंड वेपर, और इस तरफ है वो गैसेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड लिक्विड एंड वेपर, और इसके बीच में लिक्विड वेपर दोनों मिक्स फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम वो होते हैं जिनमें केवल एक ही फेज, जो केवल एक ही फेज में पाए जाते हैं, ठीक है। लिक्विड, वेपर और सॉलिड एक ही फेज में एग्जिस्ट करते हैं, वो होमोजीनियस सिस्टम होते हैं। और हेट्रोजीनियस सिस्टम वो होते हैं जो मोर देन वन फेज एग्जिस्ट जिसके अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर इस जगह पे कोई सिस्टम लिया, इन दो रेखाओं के बीच में, इन दो लाइंस के बीच में अगर कोई भी सिस्टम मैं सेलेक्ट करता हूँ, दैट विल बी हेट्रोजीनियस सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड प्लस वेपर जो होते हैं वो मिक्स पाए जाएंगे। तो एक से ज्यादा अगर किसी के अंदर फेज है सिस्टम के अंदर, दैट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, और एक से एक ही फेज है किसी के अंदर जो उसे बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। डेफिनेशन क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। मतलब कि ना तो प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है, ना टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है, और ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे पास तीन चीजें, तीन इक्विलिब्रियम जरूरी है। एक तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जहां पे फोर्स बैलेंस हो,
दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ना करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन है आपका, तो इस टाइप से कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम, और यानी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हो। और तीसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम जिसके अंदर मान लो अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से कोई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आ रहा हो, तो उसे बोलेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई दो चीजें हैं, दो चीजों का टेम्परेचर एक समान है, उनको आपस में रख देंगे तो उनके बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट मीन्स दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, चौथा एक अलग होता है फेज इक्विलिब्रियम, और फेज इक्विलिब्रियम सिर्फ फेज इक्विलिब्रियम की बात हम तब करते हैं जब हेटरोजीनियस सिस्टम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एक हेटरोजीनियस सिस्टम लिया जिसमें वेपर और वाटर का मिक्सचर है 20:80। अब ये फेज इक्विलिब्रियम कब कहलाएगा, जब ऑल चेंजेस हो जाने के बाद, जैसे मान लो अभी किसी बर्तन के अंदर वेपर और वाटर का मिक्सचर 20:80 है, तो बर्तन को मैंने फिर बड़ा किया, उसके अंदर और ज्यादा इसके अंदर क्वांटिटीज मिलाई, लेकिन आफ्टर ऑल जितनी भी क्वांटिटीज आप मिला रहे हो उसके बाद में आपका वेट्रो सॉरी वेपर और वाटर का जो मिक्सचर है वो सेम रहना चाहिए, 20:80 का ही रेशो रहना चाहिए। क्वांटिटी आपने बढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशो विल बी 20:80। ओके, नाउ ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी लेक्चर फर्स्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं ये जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड कर चुका था पहले, पर कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से वो लेक्चर्स मेरे से डिलीट हो गए। आई थॉट कि अपलोड हो चुके, लेकिन वो अपलोड हुए नहीं एंड मैंने वो डिलीट कर दिए, तो अभी मेरे को दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो अभी आपको ये जो रेड मार्क्स हैं और कुछ एक चीज़ें आपको जो पहले से ही बनी हुई दिख रही होंगी, ठीक है। तो लेक्चर वन मैंने यहीं तक रिकॉर्ड किया था, उसके बाद में लेक्चर टू भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो अभी लेक्चर वन में इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। एंड इन लेक्चर टू वी विल स्टडी, आपको बता देता हूँ, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, जीरोथ लॉ, ठीक है, व्हाट इज आइडियल गैस, व्हाट इज कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर स्केल वगैरह कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे आई थिंक, आप थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर दीजिए थर्मोडाइनमिक्स का। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।